ऑलराइट गाइस, टॉप 5 5G गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 15,000। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए यही पांच ऐसे गेमिंग स्मार्टफोन लाया और वो भी 5G है, जो कि आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं क्राइटेरिया बता देता हूं कि उन स्मार्टफोन में क्या क्या चीज़ें आज मैं रखूँगा। तो क्राइटेरिया है कि बजट गेमिंग प्रोसेसर होनी चाहिए, जो एक अच्छा 15,000 में हमें प्रोसेसर मिल जाए वो मैंने रखा है, और मिनिमम स्टोरेज 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज, बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh और ट्रिपल कैमरा सेटअप होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जो कि सारे स्मार्टफोन में आपको मिलेगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सो लेट्स फोकस ऑन द कॉन्टेंट। तो जो पांचवें नंबर पे है वो है ओप्पो A53s 5G, और इसके जो प्राइस है वो है 15,990। जी हाँ, 1,000 ज़्यादा है, लेकिन ये कम ज़्यादा होता रहता है। आप जब ये फ़ोन खरीदेंगे, जब आप वीडियो देखेगा, तो वहाँ पर प्राइस ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये कभी 14,000 रहता है, कभी 15,000 रहता है। इसके जो प्रोसेसर है वो MediaTek Dimensity 700, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। स्टोरेज की मैं बात करूँ, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज और ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, और जिसका जो रियर मेन कैमरा है वो 13 MP और फ्रंट की मैं बात करूँ 8 MP। 5000 mAh की बैटरी आ जाती है, 10 वॉट का चार्जर है, और मैं इसकी बात करूं डिस्प्ले की, 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले आती है, जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो ये मैंने पांचवें नंबर पे रखा है, और मैं आपको बता दूं कि जो जो मैं स्मार्टफोन आपको बताऊंगा वो सारे बेस वेरिएंट होंगे। आप उसका दूसरा भी वेरिएंट होगा जो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं सारे आपको बेस वेरिएंट बताऊंगा। अब ये मैंने पांचवें नंबर पे रखा है, पहले नंबर तक आपको एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन मिल जाएगा, उस वीडियो में बने रहिए। तो जो चौथे नंबर पे है वो है रियलमी नार्जो 35G, और इसके जो प्राइस है वो 14,999 यानी 15,000 का है, और इसका जो प्रोसेसर है वो ये भी है MediaTek Dimensity 700, और अगर मैं इसकी बात करूं डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच की फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले आ जाता है, और 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और इसका जो मैं स्टोरेज की बात करूं, 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज, आप 256GB स्टोरेज अलग से इसमें बढ़ा सकते हैं, और ट्रिपल कैमरा रियर सेटअप के साथ आता है, और इसका जो मेन यानी रियर कैमरा है वो 48 MP और फ्रंट है 16 MP। और अगर मैं बात करूँ बैटरी कैपेसिटी की, तो 5000 mAh की बैटरी आ जाती है और 18W का फास्ट चार्जर आ जाता है। तो आई थिंक पांचवा नंबर से चौथा नंबर वाला काफ़ी बेटर स्मार्टफोन है। अभी मैं इससे भी बेटर आगे तीसरा दूसरा पहले नंबर पे जो मैं रखा हूँ, जो आपको और भी पसंद आएगी। तो जो तीसरे नंबर पे है वो है Redmi Note 10T 5G, और इसके जो प्राइस ये भी है 14,999, और यानी कि 15,000 का। प्रोसेसर MediaTek Dimensity 700, और अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच की फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले आ जाता है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और मैं इसके स्टोरेज की बात करूँ, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, आप इसके अंदर और भी मेमोरी बढ़ा सकते हैं, और ट्रिपल कैमरा रियर सेटअप के साथ आता है, और उसका जो मेन रियर कैमरा है वो 48 MP और फ्रंट कैमरा की मैं बात करूँ तो 8 MP का आ जाता है, और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 5000 mAh बैटरी और 18W का फास्ट चार्जर आ जाता है। तो ये मैंने तीसरे नंबर पे रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। और जो दूसरे नंबर पे है वो है पोको M3 Pro 5G, और इसका भी जो प्राइस है वो है 14,499 यानी 14,500 का ये इसका प्राइस है, और इसका प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 700। डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो आ जाता है 6.5 इंच का फुल HD+ डॉट डिस्प्ले और 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बेटर लगा, इसका डिस्प्ले और कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, और रियर मेन जो कैमरा है वो है 48 MP का, और जो अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की तो 8 MP का। और स्टोरेज की मैं बात करूँ तो 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज, इसके अंदर भी आप मेमोरी बढ़ा सकते हैं, एंड 5000 mAh की बैटरी आती है एंड 18W का फास्ट चार्जर। और एक चीज़ ये मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए रखा, ये तीसरा और दूसरा नंबर वाले स्मार्टफोन लगभग सेम है, लेकिन ये जो मैंने पोको इसलिए दूसरे नंबर पे रखा है
क्योंकि इसके अंदर ऑडियो जैक भी आ जाता है और उसका जो साउंड है स्पीकर इसमें डबल आते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही खास लगा इस स्मार्टफोन के बारे में। और जो पहले नंबर पे है ये भी बहुत ही बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है जो कि है Realme 8 5G। इसका जो प्राइस है वो 15,500 ज़्यादा है, लेकिन यह ऑफर में कम ज़्यादा होता रहता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ प्रोसेसर की, MediaTek Dimensity 700 और डिस्प्ले है 6.5 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और इसके मैं स्टोरेज की बात करूँ 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज। आप इसके अंदर भी मेमोरी कार्ड मतलब यानी और भी स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। एंड कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है जो कि मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का और जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल। और मैं बात करूँ बैटरी कैपेसिटी की तो 5000 mAh की बैटरी आती है एंड 18 वाट का फास्ट चार्जर। तो जो मैंने प्रोसेसर बताया है वो MediaTek है और आप जानते होंगे कि MediaTek जो Dimensity 700 एक बजट गेमिंग प्रोसेसर है जो कि बहुत ही सही मतलब आपको एक गेमिंग एक्सपीरियंस दे देता है और सारे स्मार्टफोन 5G है। तो मैंने आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन जो अभी प्रेजेंट टाइम में कंपनी ने लॉन्च किया है वो मैंने आपको बता दिया है जो कि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जो कि ऊपर के यानी 1, 2, 3 जो मैंने तीसरे नंबर पे जो मैंने तीनों स्मार्टफोन रखा है वो तीनों में से आप कोई भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। तो यही सारे स्मार्टफोन थे जो मैंने आपको बता दिए जो कि टॉप 5 बेस्ट 5G गेमिंग स्मार्टफोन थे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियो भी इन फ्यूचर लाऊंगा जो आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। सो मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।